तो चलिए दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं साथ निभाना साथिया के सेट पर, क्योंकि वहां पर आपको बता दें कोकिला को आ गया है हार्ट अटैक, और ये किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी प्यारी न्यारी बहू गोपी की वजह से ऐसा हुआ है। आखिर गोपी ऐसा क्यों करती है, हर बार किसी न किसी को मुसीबत में डाल देती है। सूर्यवंशी फैमिली में आया भूचाल, मीरा और विद्या की जिंदगी में मचा बवाल, क्योंकि लौट आई है गौरा। जी हाँ, सही सुना, सीरियल साथ निभाना साथिया में हो रही है एक बार फिर से गौरा की एंट्री। बट आई एम सो हैप्पी कि हम दोनों की जोड़ी वापस से आ गई है। अभी बहुत 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 व्हाट डू यू से तूफान आएंगे, बहुत ही बड़ा हंगामा होने वाला है जो ऑलवेज होता है, और अब वापस शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल गौरा है थोड़ी कमजोर, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब गौरा लेंगी अपनी बहुओं से अपना बदला। तुम्हारी वजह से वर्षों पुरानी हमारे परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। गोपी की सास को आया हार्ट अटैक, मुश्किल में पड़ी कोकिला की जान। सास बहू और सीरियल लेकर आया है सीरियल साथ निभाना साथिया के सेट से एक एक खबर। दरअसल मोदी मेंशन में आती हैं कई लेडीज मुंह दिखाई की रस्म के लिए। उन्हें लगता है कि जग्गी की शादी राधिका से हुई है, लेकिन जग्गी की शादी गोपी से हुई है। अरे आप तो ऐसे कर रही है, जब बिन बुलाए मेहमान है, हम तो यहाँ मुंह दिखाई के लिए आए हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, बुलाओ जग्गी की बहू को, मुंह दिखाई करके चले जाएंगे हम अपने घर। क्या क्या जग्गी बेटा, जब बुला अपने दुल्हन को। अरे बुलाना क्यों है मासी, वो रही बेच रही है, देखो सामने देख लो मुंह दिखाई। तो वही ये महिलाएं कोकिला को देती है जमकर ताने। राम 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 कोकिला बहन, आपकी गोपी बहू तो अहम किसी शक्ल के पीछे बावड़ी हो गई है लगता है। अहम ही है ये तो, इसीलिए तो गोपी ने 3 शादियां करी है। आपने ऐसे कैसे को नहीं दिया कोकिला बहन। कोकिला बहन, आप तो यहाँ गोपी 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 नाम की माला जपती रहती है, और यहाँ गोपी तो कोई और ही राग जप रही है। हैरान करने वाली बात ये है कि इन लेडीज को आखिर इनविटेशन किसने दिया था, क्या उर्वशी ने। ओ, तो आप सबको उर्वशी ने यहाँ आने का निमंत्रण। इस बात पर कोकिला का गुस्सा होना लाजमी था, तभी कोकी की हालत हो जाती है खराब, क्योंकि कोकिला को आता है हार्ट अटैक। आनंद फानंद में डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन कोकिला कर देती है इलाज से इनकार, क्योंकि ये सब एक नाटक था। हाँ, मुझे भी अपने आप से उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया ये सब नाटक करने के लिए। यही नहीं, गुस्से में कोकिला ने सुनाया गोपी को घर छोड़ने का फरमान। गोपी आशीर्वाद लेने जाती है तो कोकिला पीछे हट जाती है। जग्गी और गोपी घर छोड़ने का फैसला मान लेते हैं, तभी पराग मोदी ने कहा कि कभी अलविदा ना कहना। कहीं नहीं जाओगी तुम, क्योंकि ये घर तुम्हारा भी है। जिसको जो बोलना था बहुत अच्छे से बोल लिया, और मैंने बहुत अच्छे से सुन लिया, लेकिन अब बस। आज भी देखा मैंने बाप के चेहरे पे गुस्सा, इतना गुस्सा जो उन्होंने कोकी कैसी की तैसी कर दी, और अब बोल देगा जग्गी बेटा तो कहीं नहीं जाएगा, जो मेरी जायदाद है जितनी मेरे पास चिल्लर बाटी है, जितने चिल्लर पैसे हैं, जो पुराने नोट है वो सब तेरे हैं, नए वाले जब नोट आएंगे तो मैं दूंगा, तू अपनी अय्याशी कर आराम से रह। साथिया का ये हाई वोल्टेज ड्रामा ही तो है जो टीआरपी में भी कमाल के रंग दिखाता है। अब देखना तो ये होगा कि गोपी कैसे अपनी कोकिला सास को मनाने में कामयाब होती है। तुम्हारी वजह से वर्षों पुरानी हमारे परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस।